स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों शायद मूसाकारी ट्रॉफी में सुरेश रैना ने खेला तूफानी पारी, 10 गेंदों में जड़ा 32 रन। आइए दोस्तों विस्तार से मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। दोस्तों मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आज एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा था, जहाँ पे दोस्तों सुरेश रैना ने तूफानी बैटिंग करते हुए अपनी टीम को किस तरीके से विजेता बनाया है मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। दोस्तों IPL 2021 के लिए जो टीम का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, इससे पहले सुरेश रैना का रिटेंशन लेकर चेन्नई सुपर किंग का फैंस में कई विवाद मचा हुआ है। हालांकि दोस्तों डोमेस्टिक स्टेज में सुरेश रैना ने फिर से अच्छे प्रदर्शन करके सबको दिखा दिया है। अगर IPL 2021 में सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग का टीम का होकर खेलता है तो चेन्नई सुपर किंग का IPL का खिताब जीतने का दावेदारी पेश हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इससे पहले कई मैच खेला गया था, जहाँ पर सुरेश रैना ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करते हुए पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेला था। दोस्तों इससे पहले वे भी उन्होंने 10 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों का पारी खेला था और वो भी एक मैच जीता हुआ पारी था। आज का मैच का डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूं तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का तूफान ये बैटिंग के चलते मुंबई टीम ने अपने 20 ओवर में 189 रन बनाता है, जहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 56 रनों का पारी खेलता है। बता दें दोस्तों इसके अलावा शिवम दुबे भी अच्छे पारी खेला, जहाँ पर शिवम दुबे ने इस मैच में 47 रनों का पारी खेला। शिवम दुबे ने इस मैच में 3 छक्के भी जड़े। दोस्तों उत्तर प्रदेश टीम का होकर शुरुआत अच्छा ही हुआ था, हालांकि दोस्तों मिडिल ऑर्डर में कुछ विकेट गिर गया था। दोस्तों अंतिम दो ओवर में जीतने के लिए 40 रन से ऊपर ज़रूरत था और दोस्तों लास्ट 10 गेंदों का सामना करते हुए सुरेश रैना ने यहाँ पे 3 छक्के और 2 चौके के मदद से केवल 10 गेंदों में ही 32 रनों का पारी खेला था, जहाँ पे सुरेश रैना ने अंतिम ओवर में 20 रन भी बनाया। दोस्तों उन्होंने ये कारनामा धवल कुलकर्णी का ओवर में किया था। दोस्तों ऐसे में तो हम जानते हैं IPL में मुंबई और चेन्नई के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, पर हमेशा चेन्नई सुपर किंग अच्छे प्रदर्शन करने का कोशिश करते हैं और इसमें सबसे बड़े सितारा तो सुरेश रैना है। सुरेश रैना अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं और ये एक सही संकेत है IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग का खिताब जीतने पर। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग रिटर्न करेगा ना रिलीज़ करेगा। अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट करके बताइए और ज़रूर सुरेश रैना का बैटिंग को आप 10 में कितने अंक देंगे कमेंट में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।